हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रीकी फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली क्या होता है कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, उसको लेके हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर ग्राफ्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, और मैगजीन्स के अंदर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो वहां पे जिस तरीके के ग्राफ आपको दिखाई देते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके के ग्राफ्स दिखाई देते हैं आपको, राइट। कभी दिखाया जाएगा आपको मंथली टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा देंगे, ठीक है, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज मंथली टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। यहाँ दिखा देंगे कौन सा स्टेट है, यहाँ दिखाएंगे टेम्परेचर कितना है, एंड दे विल शो यू। नेक्स्ट, कभी आपने देखा होगा इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बेसिकली पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाएगा कि यहाँ कुछ और कलर होगा, यहाँ कुछ और कलर होगा, यहाँ कुछ और कलर, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, ठीक है, कि कितने पोर्शन ऑफ लैंड इज फार्मिंग लैंड, कितना पोर्शन है आपके पास जिसपे आप इंडस्ट्रीज ग्रो करते हो, ठीक है, कितना पोर्शन है जिसपे आप हाउसेस बनाते हो। तो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ, राइट। तो ऐसा ही एक ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो इन दोनों से अलग होता है। ये जो हम लोगों ने देखा उसमें पहला वाला बार ग्राफ था और दूसरा वाला था पाई चार्ट, ठीक। हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो एक लाइन ग्राफ होता है। क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स अ लाइन ग्राफ, ठीक। इस चीज को याद रखना, अगर मुझसे पूछे व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन यू कैन से इट इज अ लाइन ग्राफ, ठीक। तो चलो सीखते हैं कि बनता कैसे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग में, दीज आर द स्टेप्स टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूं धीरे धीरे और इनको फॉलो करूं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो पहला है स्टेप कि ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मार्क द एक्सिस एज OX एंड OY। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से, एक ओके। नेक्स्ट उसने हमें क्या बोला कि मार्क द टू एक्सिस एज OX एंड OY। तो जहां पे ये पॉइंट दोनों मीट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं O, और O मींस ओरिजिन। यानी कि जब हम दिखाएंगे कि किसी का भी मोशन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाएंगे या कितने टाइम से उसने स्टार्ट किया है तो हम इसको जीरो कंसीडर करके चलेंगे। यहां से हम मान के चलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे बाकी आगे, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया आपकी, ये जो ग्राफ्स आपने बनाए, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, नहीं पूरा नहीं किया, हमने यहाँ एक्स लिखना बाकी है और यहाँ पे वाई लिखना बाकी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर हम एक्स लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं इट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो ये वाला एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है विच इज एक्स एक्सिस, एंड दिस वाई इज वाई एक्सिस, दिस वन वर्टिकल वन इज वाई एक्सिस, क्लियर। तो हम अपना पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं यहाँ पे। दूसरे स्टेप में हमसे क्या कहा है कि सेलेक्ट सूटेबल एक्सिस टू रिप्रेजेंट द टू फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमने ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस और टाइम ही होगा, क्लियर है। अच्छा, तो हम एक बात को याद रखें कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है और डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस और टाइम आप रिप्रेजेंट तो कर देते हो लेकिन इन्हें कैसे, यहाँ ब्रैकेट में जिस पी यूनिट के अंदर ये दिया हुआ है, जैसे डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में और टाइम दिया है आवर्स में, तो हम ब्रैकेट में साइड में लिख देते कि कौन सी यूनिट में दिया हुआ है आपको डेटा, ठीक। अगर ये मिनट्स में दिया होता तो यहाँ ब्रैकेट में मिनट लिखा होता, सेकेंड्स में दिया होता तो यहाँ ब्रैकेट में सेकेंड्स लिखा होता। सिमिलर इज फॉर डिस्टेंस, अगर ये जैसे किलोमीटर में दिया है तो हम यहाँ किलोमीटर लिखेंगे, अगर मीटर में दिया होता तो हम मीटर लिखते हैं, और सेंटीमीटर में दिया होता तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं वहां ब्रैकेट में। हमें कुल मिला के बात यह है, ये बता के चलना है कि ये जो डेटा हम लोगों ने यहाँ प्लॉट किया है वो किस यूनिट में दिया हुआ था उसी यूनिट में यहाँ प्लॉट किया जाता है। अच्छा, सो दिस इज
फिर सेकेंड स्टेप इज कम्प्लीटेड। आप इस चीज को याद रखें, जो टाइम है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पे ऐसी क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि इनका होना किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप जब तक मूव नहीं करोगे तो डिस्टेंस कवर नहीं करोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि टाइम भी वहीं रुक जाएगा, नहीं, टाइम तो चलता रहेगा। अगर आप 1 बजे कहीं पे बैठे हुए हो और 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक आप वहां से नहीं हिलते, तो इसका मतलब क्या कि टाइम तो हो रहा है पास, लेकिन डिस्टेंस आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे मगर टाइम आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो ऐसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप पे कि सेलेक्ट द सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द एक्सिस। सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना है कौन से डेटा के लिए, इस डेटा के लिए। यहाँ जो टाइम दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर ऐसे दे रखा है। अच्छा, आप लोगों ने अगर ग्राफ पेपर को देखा होगा ध्यान से, तो उसमें आपने देखा होगा कि छोटे 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 स्क्वायर्स होते हैं। वो स्क्वायर्स जो होते हैं उनकी साइड्स 1 सेंटीमीटर की होती है। स्क्वायर का हम लोगों को पता है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो चारों साइड्स है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर हमें x एक्सिस पर और y एक्सिस पर डेटा सेलेक्ट करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे वो अभी हम देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे टाइम है, ये है 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक। अब मैं कहती हूँ कि 1 आवर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ 1 सेंटीमीटर से, तो मैं इसके लिए एक स्केल वैल्यू लिखूंगी और स्केल हमेशा टॉप राइट कॉर्नर में लिखना चाहिए ग्राफ पेपर के। तो मैं लिखूंगी एक्स एक्सिस कॉमा 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 1 घंटा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से, तो ये हो गया आपका 1 आवर। सिमिलरली अनदर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 आवर, अनदर 1 फॉर 3 एंड अनदर 1 फॉर 4 आवर्स, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा डिस्टेंस के बारे में, तो सिमिलरली आई गो बट ओवर हियर व्हाट आई कैन सी इज दैट 20 किलोमीटर 40 60 और 80 किलोमीटर दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती हूँ 1 सेंटीमीटर से, सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज कि ये जो है इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इस हिसाब से तो मुझे 80 सेंटीमीटर का स्केल चाहिए 80 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई हैव टू टेक सच अ वैल्यू कि मेरा जो ग्राफ है वो एक पेपर में आ भी जाए, ठीक है, और प्रॉपरली विजिबल भी हो। ऐसा नहीं हो कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्राफ पेपर है तो एक छोटे से पोर्शन में कहीं मैंने छोटा सा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, वो विजिबल भी नहीं है। दैट ऑल्सो डजंट लुक नाइस एज इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो हम लोगों ने एक ऐसी क्वांटिटी देखी कि यहाँ पे 0 है 20 है 40 60 80, यानी कि हम एक काम कर सकते हैं वाई एक्सिस के अंदर कि अगर हम 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लें, सो इन दैट केस क्या होगा हमारे पास कि हम यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ 8 सेंटीमीटर की जरूरत है, वो हमें ग्राफ पेपर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, राइट। अच्छा, अब ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप कंप्लीट। हमारा लास्ट स्टेप हमसे क्या कहते हैं कि नाउ प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, देखो यहां से आपसे क्या कहा है, 0 टाइम 0 किलोमीटर कवर। तो 0 टाइम और 0 किलोमीटर कहां है, यहां है, तो हम यहां पे एक पॉइंट मार्क करके उसे सर्कल से हाईलाइट कर देंगे। सर्कल शुड नॉट बी दैट बिगर बट इट शुड बी विजिबल। सेकेंड है हमारे पास कि 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर हुआ है, तो हम ये 1 आवर तब तक ऊपर लेकर जाएंगे जब तक हम 20 किलोमीटर वाली लाइन पे कॉन्साइड नहीं करा देते। जिस पॉइंट पे कॉन्साइड होगी वहां पे हम पॉइंट ड्रॉ करके हाईलाइट कर देंगे। अगेन वी टॉक अबाउट 2 आवर्स, सो 2 आवर्स वाला हम कहां तक लेके जाएंगे, कितना कवर किया है, 40 किलोमीटर कवर किया है। सो वेरी गुड, वी विल गो लाइक दिस, वी हैव रीच्ड 40 ओवर हियर, सो पॉइंट इज हाईलाइटेड। नेक्स्ट वन इज इन 3 आवर्स वी हैव कवर्ड 60 किलोमीटर, सो वी विल गो लाइक दिस, ओके, वी हैव रीच्ड 60 ओवर हियर, सो प्लॉट इट। इवन
इफ यू डोंट ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, वैसे यू शुड नॉट ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इज यू हैव टू गो इमेजिनरीली फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड रीच एट अ पॉइंट वेयर इट कॉन्साइड 60 एंड ओवर, देयर यू हैव टू मार्क विद द पेंसिल. डोंट ड्रैग योर कीप योर निब ओवर योर ऑन 3 एंड ड्रैग इट अप टू देयर. ओके, ये लाइंस नहीं ड्रॉ करनी होती, आई एम शोइंग यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, लास्ट वन इज योर 4 आवर्स 80 किलोमीटर्स. सो वील रीच अप टू 80 ओवर. Got it? Now, if I join all these points, what I get as a result is a straight line, right? तो हम एक बात करते हैं कि ये हमने फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया, अब हमें क्या मिल रहा है? ये है तो एक स्ट्रेट लाइन, बट इट इज एट एन एंगल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है? And it is at an angle to distance axis also, but हम इसको ये कहते हैं कि it's a straight line, ठीक है? तो अब समझते हैं कि इस ग्राफ से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला. So let us talk about the conclusions of the graph. So if we talk about the conclusions of the graph, look at the graph carefully, and what you will observe over here is the very first thing. Is that the graph which is obtained is a line graph. जो हम लोगों ने आपको beginning में बताया था, थी, it's a line graph. Number 2, ऐसा appear हो रहा है कि body ने अपनी speed को constant maintain करते हुए एक सीधे रास्ते पे, एक सीधी सड़क पे, with a constant speed it was moving, है ना? तो ये आप दो चीज से चेक कर सकते हो. अगर आपका ग्राफ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि आपकी जो भी बॉडी मूव कर रही थी उसने अपनी जो स्पीड है वो चेंज नहीं की है. दूसरा तरीका से चेक करने का है कि आपके पास डिस्टेंस कितना दिया, 20 किलोमीटर, टाइम 1 आवर, 20 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 20 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड इज 20 इन द फर्स्ट आवर. सेकेंड में हम बात करें तो 40 अपॉन 2, अगेन इट्स 20 किलोमीटर पर आवर. 60 अपॉन 3, 20 किलोमीटर पर आवर. 80 अपॉन 4, अगेन 20 किलोमीटर पर आवर. सो बाय दिस इज क्लियर दैट एवरी टाइम वी कैलकुलेट द स्पीड वी आर गेटिंग स्पीड कॉन्स्टेंट. इसका मतलब द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी कैसे है? यूनिफॉर्म मोशन में है. अच्छा, द थर्ड थिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस ग्राफ इज, अगर आपसे मैं सिर्फ ये डेटा देके बोलूं तो आप क्या बता पाओगे कि 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था, 2 आवर में 40 किलोमीटर कवर हुआ था, 3 आवर में 60 कवर हुआ था, राइट? ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ जरा कि 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, है ना? या फिर क्या टाइम था या कितने टाइम में बॉडी ने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो यहां पे आप जवाब कैसे दोगे? यू कैन नॉट आंसर बिकॉज नाउ यू हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ डेटा, बट योर ग्राफ कैन रिप्लाई दिस. हाउ? चेक ओवर हियर, यू हैव 20 एंड 30. सो इफ 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर्स, then half of this 1 centimeter will represent 5 kilometers. And we know कि graph के अंदर ऐसे छोटा सा एक और बना होता है partition. Then we have 4 divisions over here, 4 down, 4 this side and 4 this side. Right? इस तरीके का होता है आपका entire graph. ठीक है? तो अब आप यहाँ क्या करोगे? हमें यहाँ पर देखना है 25. तो 30 और 20 के बीच में जो 5th division होगा, 20 से ऊपर की तरफ जब आप ट्रैवल करोगे तो वो हो जाएगा आपके पास 25. आपको करना ये है कि आप इस 25 से एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस को. ठीक है, दिस इज द पैरेलल लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द 25. नाउ द लाइन, दिस लाइन वेयर इट कट्स दिस लाइन ग्राफ, ठीक है, ये किस पॉइंट पे कट करिए? इस पॉइंट पे. इस पॉइंट से आप एक पैरेलल लाइन फिर से ड्रॉ करोगे, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. सो
ये इसका कंक्लूजन है कि स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैंने यार 25 पे निकाला, 35 पे निकालो, 31 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, ऐसे करके आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आपको करना क्या है कि जैसे 35 पे निकालना होता है या फिर आपको निकालनी होती है 55 पे, सेम आप वही करते हैं, दोनों के बीच का हाफ का है यहाँ, तो ये होगा 55। 55 से आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, पैरेलल आनी चाहिए लाइन, लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहां पर ये स्ट्रेट लाइन को कट करेगी वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो दिस विल गिव यू द टाइम, दिस विल गिव यू हाफ डिस्टेंस, यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्पीड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थ्री शेप्स ऑफ द जेनेरिक टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। तीन जेनेरिक ग्राफ्स में बता रही हूं आपको, आप याद रखना कि जब भी आप इस तरीके के ग्राफ्स देखो या फिर आपको कभी पूछा जाए कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आप ग्राफ देखते ही बता दो कि यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म में है, ये कैसे होगा। सो द थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड रेस्ट। हम जिस ग्राफ के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं वो जेनेरिक है। जेनेरिक मतलब शेप, ठीक है, यानी कि जनरली जनरलाइज्ड, ठीक है। देखो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करो तो हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा था। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो यूनिफॉर्म मोशन वाले में क्या कहा जाएगा आपसे कि जो स्पीड है, ठीक है, इज कॉन्स्टेंट, जो बॉडी है, ठीक है, इज मूविंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर आप किसी रोड पे 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, बाइसाइकिल चलाते हुए या बाइक चलाते हुए या कार रन करते हुए, तो अगर आप मेंटेन रखते हो 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड, ठीक है, या फिर 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर आप किसी कार को चला रहे हो किसी एक रोड पे, आप कहीं टर्न नहीं ले रहे, कहीं मूव नहीं कर रहे, कहीं वो जिसे कहते हैं ना आप कहीं अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, तो उस केस में होगा क्या कि बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। और जब बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है। कैसे, देखो इफ यू आर राइडिंग अ साइकिल, सडनली एक टर्न है तो आप क्या करोगे, पहले ब्रेक अप्लाई करोगे, स्पीड को स्लो करोगे, देन यू विल टेक अ टर्न एंड देन यू विल स्टार्ट पेडलिंग अगेन, राइट। तो वहां पे हुआ क्या, आपकी जो पहली स्पीड थी अब आप जब टर्न ले रहे हो उससे थोड़ी स्पीड कम है, देन यू विल टर्न अगेन एंड फिर आपकी स्पीड दोबारा बढ़ी, तो देयर इज अ चेंज इन द स्पीड। बट यहाँ पर क्या है, अगर आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो बिना कहीं इधर उधर टर्न किए स्ट्रेट एकदम विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो इस तरीके का ग्राफ निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो उसको भी आप देखोगे तो वो भी आपको कुछ इसी तरीके का दिखाई देने वाला है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से, कि यहाँ पे बॉडी सेम स्पीड से मूव नहीं करती, यानी कि द स्पीड विल चेंज, यानी कि जो बॉडी की स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होगी। दूसरी चीज क्या है कि बॉडी मस्ट बी मूविंग ऑन अ बिजी रोड और मस्ट बी चेंजिंग डायरेक्शंस।
या तो बॉडी बिजी रोड पे मूव कर रही होगी या फिर डायरेक्शंस चेंज कर रही होगी। अच्छा, इस तरीके का ग्राफ आपको कैसे देखने को मिलेगा, देखो ये तो है आपका टाइम, ठीक है, और ये है आपका डिस्टेंस, है ना। हमने पहले बताया था कि एक्स एक्सिस टाइम ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोज कोई ट्रेन है वो यहाँ जीरो से स्टार्ट हुई, ठीक, इनिशियली वो यहाँ पर मान लो कि पहले 5 या 4 किलोमीटर को कवर करने के लिए, यहाँ पर मान लो ये 4 किलोमीटर का है कुछ, तो पहले 4 किलोमीटर को कवर करने के लिए मान लो उसको 30 या फिर यहाँ पे 1 आवर 1.5, सपोज ये 1.5 के अराउंड या फिर 2 आवर्स के अराउंड का टाइम लगा, लेकिन नेक्स्ट वो कम टाइम लेगी और डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, राइट। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि विद टाइम द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज चेंजिंग। ऐसा होता है ना, ट्रेन धीरे 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 स्टेशन से निकलना स्टार्ट करती है, चलती है चलती है चलती है चलती है, फिर एकदम से उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो वहां हुआ क्या है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, अब वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। सेम उसी तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, यानी कि जब स्पीड चेंज होगी तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। लास्ट में आता है ग्राफ जो कि होता है रेस्ट का ग्राफ। इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, देखो ध्यान से, जब आपको ऐसी पैरेलल लाइन दिखे विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसी लाइन दिख रही है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पर रुका हुआ है। मान लो कहीं पे कोई डिस्टेंस है, जहां मैं खड़ी हूँ वहां से ये 20 किलोमीटर दूर पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो चाहे कितना भी टाइम निकल जाए या 5 आवर्स निकल चुके बट वो वही खड़ा हुआ है, तो ही इज एट रेस्ट, क्योंकि उसका जो ये डिस्टेंस है वो ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है विद टाइम, बट टाइम इज पासिंग। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी कि टाइम चेंज होता जा रहा है बट द डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहां पर होगा क्या कि ऑब्जेक्ट विल नॉट move and speed of the object cannot be determined since ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तो आप स्पीड बता ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई यहां आपके ऑब्जेक्ट की बात। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला होता है कर्व्ड लाइन ग्राफ, और यहां पर होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हो गए आपके तीन शेप्स, ठीक है, जिनको आप देखते ही बता दोगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर रेस्ट पर है। सो विद ऑल दीज थिंग्स वी हैव कम अप टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून टू द यूट्यूब चैनल फ्री की।